अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि हम लोग ASP.NET में किस तरह थीम्स या टेम्पलेट्स को अप्लाई कर सकते हैं। टेम्पलेट्स जिस तरह आप ये देख रहे हैं, HTML की कोई भी टेम्पलेट होती है जिसमें जिस तरह ये एनिमेटेड बैनर्स होते हैं, प्री डिफाइंड उसके अंदर बटन्स होते हैं, मेन्यूज़ होते हैं जो कि फ्री अवेलेबल होते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं इसकी, chocotemplates.com पे या फिर bestfreetemplates.com पे। बेसिकली ये CSS टेम्पलेट्स कहलाती हैं। आप लोग सर्च करवा सकते हैं गूगल पे डाउनलोड फ्री CSS टेम्पलेट्स के नाम से, तो बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। एक ट्रस्टेड वेबसाइट जो है मैं बता रहा हूँ, bestfreetemplates.com, उस पर आप जाएँ और वहाँ से बहुत सारी फ्री टेम्पलेट्स अवेलेबल होंगी, उसमें से कोई भी आप एक डाउनलोड कर लें जो कि सिर्फ फॉर्मेट में होगी। इस तरह आपको नज़र आ रही हैं बहुत सारी टेम्पलेट्स, आप किसी भी एक को डाउनलोड कर लें। तो जब ये डाउनलोड हो जाएगी फिर हम लोग इसी सिर्फ फॉर्मेट में होगी, इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इस तरह यहाँ पर सामने हमारे फोल्डर में आ जाएगी। अब उस टेम्पलेट को यूज़ करने के लिए हम उसके अंदर जो भी फाइल्स होती हैं, इस तरह है, इसके अंदर आपको नज़र आ रही है JS JavaScript की फ़ाइल है, ये तीनों जो है फाइल्स कॉपी कर लेंगे। CSS और JS का फोल्डर, CSS का फोल्डर है और एक index.html जो HTML की फ़ाइल होती है। अब इसको कॉपी करके हम विजुअल स्टूडियो 2008 ओपन करेंगे अपना और एक नई वेबसाइट का बनाएंगे। default.spx हमारा ऑलरेडी पेज आ रहा होगा। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे जब हम लोग जाएंगे, जिस तरह ड्राइव होगी, ड्राइव का पाथ दिया होगा, उस पर राइट क्लिक करके हम तीनों फोल्डर को पेस्ट कर देंगे जिस तरह हमने कर दिया। अब उसके बाद हम इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस तरह ये आप देख रहे हैं, ये हमारी पूरी ये जो टेम्पलेट है उसका अगर HTML को हम लोग चला के देखें तो ये जिस तरह भी हमने देखा था ये ऐसा आ जाएगा पूरी टेम्पलेट। अब इसको अप्लाई करने के लिए ASP.NET में index.html का पेज खोल के, ये जो टैग अभी मैं कॉपी कर रहा हूँ, इन सारे टैग्स को कॉपी कर लेंगे। बेसिकली क्या होता है, ये लिंक रेफ जो हम लोग कॉपी कर रहे हैं, ये ऊपर वाला CSS का लिंक बता रहे हैं कि ये CSS की फाइल यहाँ पड़ी हुई, बाकी JavaScript के हैं जो स्क्रिप्ट के टैग हैं उसको हम लोग हेड के अंदर जो है पेस्ट कर देंगे। ये देख रहे हैं आप, चार टैग्स हैं, तीन स्क्रिप्ट के जो हैं वो JavaScript के, और ऊपर वाला जो है CSS फाइल कि वो जो कि CSS के फोल्डर में पड़ी हुई है उसको शो कर रहा है। फिर default.spx हम लोग खोलेंगे और उसमें वहाँ पे आके टाइटल में पेस्ट कर देंगे। अब हम लोग फिर से index.html खोल के बॉडी का जो पूरा टैग है उसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे ASP.NET की जो हमारी एक default.spx का पेज आ रहा है उसके बॉडी टैग पहले सेलेक्ट करेंगे, उसको रिमूव करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और फिर हम लोग इसको चला के देखेंगे तो पूरी की पूरी टेम्पलेट जो है वो हमारी कन्वर्ट हो चुकी होगी ASP.NET में। ये देखें default.spx में जिस तरह हमने डिज़ाइन भी किया तो ये पूरी टेम्पलेट अप्लाई हो गई है। अब इसको F5 कर देंगे। तो बेसिकली CSS टेम्पलेट्स जो होती हैं उसमें जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो CSS स्टाइल शीट डॉट CSS या styles.css की एक फ़ाइल होगी जिसमें CSS की पूरी हेडिंग्स, बटन्स वगैरह सब कुछ डिफाइन होता है, उसको हम बार बार यूज़ कर लेते हैं। वो खैर प्री डिफाइंड होगा, आपको ऐसे कुछ ना CSS जानने की ज़रूरत है ना कुछ, लेकिन इसके अंदर इमेजेस हैं और CSS की एक फ़ाइल पड़ी हुई है और JS के अंदर जो है JavaScript की जो जिस तरह आप देखेंगे कि एनिमेटेड बैनर है वो पड़ा हुआ है। अब इसको देखेंगे कि आप पूरी की पूरी जो टेम्पलेट है वो इस पर अप्लाई हो गई होगी और उसका एक्सटेंशन .aspx हो चुका होगा क्योंकि हमने ASP.NET में अप्लाई कर दी है। वो सिर्फ हमने जो हेड के अंदर जो टैग होगा index.html में वो सारे टैग्स जो हैं उसको कॉपी किया और बॉडी को कॉपी करके पेस्ट कर दिया। देखें आप, ये हमारा ASP.NET का पेज है। एक डायनेमिक वेबसाइट भी हम लोग इससे बना सकते हैं, यहाँ पे हम लोग डेटाबेस का भी लिंक कर सकते हैं तो एक खूबसूरत वेबसाइट बन जाएगी इससे, इस तरह से। तो अगले ट्यूटोरियल में फिर आप देखने के लिए इसको सब्सक्राइब करा लें। अल्लाह हाफ़िज़।